हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इक्वेशंस का बेसिक एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इक्वेशंस होते क्या है। तो यहां हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। यहां मैंने लिखा 2x plus 5 is equal to 7, then 2x plus 5 equal to 7 is an equation because it contain variable as well as sign of equality. तो we say that the statement of equality which contain variable and sign of equality is called an equation. अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहीं दिया है कि x plus 5 only, तो x plus 5 is not an equation because it is not having sign of equality. It is only algebraic expression because it has variable. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहीं दिया है 2 plus 5 equal to 7. If someone asks you, is it an equation? So no, it is not an equation because it is not having variable. आप सोचेंगे कि it is having sign of equality, so it should be an equation. No, sign of equality तो है लेकिन variable नहीं है। Variable और sign of equality दोनों ही जरूरी है, तभी एक equation बनता है। अब बात करते हैं सिंपल इक्वेशंस की। जनरली जब आप स्टार्टिंग के क्लासेस में पढ़ते हैं तो आपके चैप्टर का नाम होता है सिंपल इक्वेशन, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर का नाम हो जाता है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, फिर और आगे जाते हैं तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हो जाता है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाते हैं। तो आज इस बेसिक में मैं ये सभी डिफरेंसेस आपको समझाने वाला हूँ, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। तो यह जो इक्वेशन है, दिस इज द सिंपल इक्वेशन, 2x plus 5 equal to 7 is the simple equation. Why it is simple equation? Because here you look at the variable. Variable is x. What is the power of the variable? Power, आप बोलेंगे no power. नहीं, इसका power है, इसका power है 1. तो जब इक्वेशन के वेरिएबल का पावर 1 होता है तब वह सिंपल इक्वेशन होता है, या अदर वर्ड्स में बोले लीनियर इक्वेशन कहलाता है। When the power of the variable is 1. So this is the example of simple equation or linear equation. फिर आता है linear equations in one variable or two variable. तो इसमें आप variables देखिए, variables कितनी है, variable एक ही है, only x. तो this is called linear equation in one variable. यदि लिख दिया जाए कि 2x plus y equal to 7, then it is called linear equation in two variables because it has two variables x and y as well as the power of the variables are 1 only. So this is the linear equation in two variables. Linear equations in three variables bhi hota hai. Jaise kahin likh diya jaye 2x plus y plus z equal to 7. So this is the linear equation in three variables. Yahan par three variables x, y, z hain aur sabhi ka power 1 hi hai. तो दिस इज लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स। अब बात करते हैं यदि कहीं लिखा है x square plus 5 equals to 4, तो दिस इज नॉट द लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट द सिंपल इक्वेशन, इट हैज ओनली वन वेरिएबल, इट्स ओके, बट इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस वे यू कीप इन माइंड व्हाट इज एन इक्वेशन। फिर इक्वेशन में एक चीज और होती है LHS और RHS, वह भी आप समझ लीजिए। हियर इस इक्वेशन में देखा जाए तो दिस इज LHS, दिस इज LHS, 2x plus 5 इज LHS एंड 7 इज RHS. व्हाइल 2x plus 5 इज LHS, इक्वल टू साइन देखिए, इक्वल टू साइन के आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो भी लिखा है स्टेटमेंट वो LHS है। LHS शॉर्ट में लिखा है, इट्स फुल फॉर्म इज लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू साइन के राइट हैंड की तरफ जो लिखा हुआ है वह RHS है, राइट हैंड साइड। तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, LHS एंड RHS। जब LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं कोई वेरिएबल की वैल्यू रखने से तो वह वैल्यू सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन टू मेक LHS equal to the RHS is called solution of the equation. हर एक equation का कुछ कुछ ना कुछ solution जरूर होता है जो कि उसके LHS और RHS को equal कर देता है। तो आगे की वीडियो में मैं value of variable बताऊंगा, उसका solution कैसे find करते हैं और whether it is the solution of the equation or not आपको सभी को समझाऊंगा। तो please
डू स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल एंड प्लीज टेक टाइम टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द न्यू अपडेट्स ऑफ माई वीडियोज. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.